Welcome to your English online class 4. I'm your English teacher, Ma'am Maria. Students, I hope all of you will be fine by the grace of Allah. Students, today we started story The Greedy Dog. Ek Lalchi Kutta. Okay, let's start. Okay, students, once there lived a dog. एक दफ़ा का जिक्र है, कुत्ता रहता था. वन डे, एक दिन, ही वॉज़ फीलिंग वेरी हंगरी, ऐसे महसूस हुआ इसे, इसकी इसको भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा भूखा था. ही वेंट इन सर्च ऑफ फूड, वो खुराक की तलाश में गया. एंड फाउंड अ पीस ऑफ जूसी बोन, और उसे एक हड्डी मिली. ही थॉट दैट ही कुड गो बैक टू हिज प्लेस एंड इन्जॉय इट, और वो वहाँ से वो जो हड्डी थी वो लेके और अपने जगह पर वापस आया और इन्जॉय करने लगा. वाइल गोइंग बैक टू हिज होम, जब वो घर वापस जा रहा था, ही हैड टू क्रॉस अ ब्रिज ऑन द रिवर, जब वो ब्रिज से क्रॉस कर रहा था तो और साथ रिवर था, ठीक है, क्रॉस अ ब्रिज, जब वो ब्रिज क्रॉस कर रहा था रिवर की पर, तो वाइल्ड क्रॉसिंग द ब्रिज, जब वो ब्रिज क्रॉस करने लगा, द डॉग सा हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द रिवर, तो उसको रिवर में अपना अक्स दिखाई दिया. एंड थ्रो आउट सॉरी एंड थॉट दैट इट वाज अनदर डॉग विद अ पीस ऑफ बोन इन हिज माउथ, और उसके ख्याल में ये था, वो ये सोच रहा था कि ये दूसरा कुत्ता है जिसने अपने मुंह में हड्डी डाली हुई है. द डॉग वॉज सो ग्रीडी, जो कुत्ता था वो बहुत लालची था, दैट ही वॉन्टेड दैट पीस ऑफ बोन आल्सो, कि वो ये चाहता था कि ये वाला बोन का पीस भी मैं ही ले लूँ, ये हड्डी भी मैं ले लूँ. सो टू स्नैच दैट पीस ही ओपनड हिज माउथ टू बार्क एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, जब वो इस जो हड्डी थी इस पीस को खींचने के लिए इसने बार्क किया, वो जब वो उसने अपनी आवाज़ निकाली, तो जैसे ही उसका मुंह खुला, ठीक है, तो वो जो वो तो ऑब्वियसली के अक्स उसका नज़र आ रहा था, जैसे ही उसने अपना मुंह खोला तो वो जो उसके मुंह में हड्डी का जो पीस था वो भी नीचे रिवर में गिर गया. बट द मोमेंट ही ओपन्ड हिज माउथ टू बार्क, जब वो वही बात आ गई कि जब वो बार्क करने लगा, तो जब वो बार उसने बार किया तो वो जो हड्डी का पीस था वो भी दरिया में गिर गया. द पीस ऑफ बोन फेल इन टू द रिवर, द डॉग लॉस्ट हिज बोन एंड हैड टू रिटर्न होम हंग्री, और वो वाला जो उसने पीस उसे मिला था लालच की वजह से, वो वाला पीस भी खो बैठा और खाली हाथ भूखा जो था वो घर वापस चला गया. स्टूडेंट्स, इसका मॉरल है, जो इसका नतीजा है, ग्रीड इज़ अ कर्स. कर्स मीन्स क्या कहेंगे, लानत, के लालच एक लानत है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट है सिंगुलर. सिंगुलर प्लूरल्स करने से पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी. अ सिंगुलर नाउन रेफर्स टू ओनली वन पर्सन, प्लेस और थिंग, एक आदमी, एक जगह और एक चीज़ को मेंशन किया जाता है, सिंगुलर, वाहिद. और प्लूरल नाउन जो है वो किसको रेफर करता है, मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग, एक और एक से ज़्यादा चीज़ें, ठीक है. अब फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे विंडो है, खिड़की, एक खिड़की, तो ये क्या हुआ, सिंगुलर. अब विंडोज़ जब हम करते हैं, बहुत सारी खिड़कियाँ आ जाती हैं, मोर देन वन आ जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, विंडोज़, तो क्या हुआ, प्लूरल. तो स्टूडेंट्स, इसके कुछ रूल हैं, बताती जाती हूँ, ये कुछ रूल्स हैं. मोस्ट नाउन एड एस टू फॉर्म प्लूरल, ठीक है. मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे होता है, कुछ नाउन्स के साथ हम अगर एस ऐड कर देते हैं, फर्स्ट रूल चेक करें, तो हम जब एस ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल, ठीक है. सेकंड है नाउन दैट एंड विद एस एच सी एच एक्स जेड और एस, ऐड ई एस. तो स्टूडेंट्स, जिस नाउन के आगे, जिस सिंगुलर के आगे लव वर्ड आता है एस एच सी एच एक्स और जेड और एस, तो आपने क्या करना है, उस वर्ड के आखिर में क्या लगा देना है, ई और एस. ओके, नाउन्स एंड विद वॉवल प्लस वाई एड एस, ठीक है. अगर सिंगुलर जो भी नाउन है उसके आखिर में वॉवल वर्ड, वॉवल वर्ड समझते हैं, ए ई आई ओ यू, फाइव वॉवल्स वर्ड हैं, वॉवल वर्ड हो और उसके बाद वाई भी मेंशन हो, वाई भी लगाओ, तो हमने जस्ट एस लगाना है, ठीक है. फोर्थ रूल्स है, रूल में जो है वो लिखा हुआ है, नाउन्स एंड विद
कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट ई आई ओ यू के अलावा जो बाकी हैं ए बी सी डी, ठीक है, वो कॉन्स्टेंट है, प्लस वाई और साथ वाई हो तो चेंज वाई टू आई एंड एड यस, जो वाई होगा कॉन्स्टेंट के साथ वो जो वाई होगा वो आपने स्किप कर देना है, उसकी जगह आई लगा देना है एंड एड ई एस और ई एस को एड कर देना है, ठीक है। देन फिफ्थ रूल है नाउंस दैट एंड विद एफ और ई एफ या एफ ई, चेंज एफ और एफ ई टू वी ई एस, ठीक है, एफ आ जाता है या ई एफ आ जाता है या एफ ई आ जाता है तो आपने चेंज किस में करना है, क्या लगाना है, एफ ई वी ई एस। नाउन एंड विद वावल प्लस ओ, अगर नाउन कोई भी है, वावल हो और प्लस ओ हो तब भी आपने एस लगाना है, ऊपर थर्ड रूल में भी ये, जब वावल और प्लस वाई हो तो तब भी आपने एस लगाना है। नेक्स्ट लास्ट रूल जो है वो किसी भी नाउन के एंड में कॉन्स्टेंट हो प्लस ओ हो तो आपने ई एस मेंशन करना है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं सिंगुलर प्लूरल्स। स्टूडेंट्स ये देख लें, गोट गोट्स, ठीक है, ये सिंपल नाउन है और इसके सॉरी कोई भी नाउन ले लें तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे, एस, ठीक है। अब ये देख लें आर्मी, ठीक है, वाई आ गया और क्या बोला था एम, ठीक है, आर्मी, ठीक है, ए ई आई ओ यू, उससे पहले वाई से पहले क्या हो, वावल हो तो आपने क्या चेंज करना है, वाई को हटा के आई ई एस मेंशन करना है। सेकंड मैंने रूल ये बताया था कि लास्ट में एफ हो तो क्या लगाना है, वी ई एस, तो ये देखें लॉफ एल ओ एफ लॉफ, तो एफ को स्किप करके हमने वी ई एस लगा दिया है। ओके, थर्ड रूल है ई एस वाला लोस, ठीक है, लोस जो है लास्ट हमने रूल पढ़ा कॉन्स्टेंट प्लस ओ हो कॉन्स्टेंट प्लस ई हो तो हमने एस लगाना है, तो ये देखें कॉन्स्टेंट टी ओ पी टॉप है, ठीक है, और ओ आ जाए या वाई आ जाए तब भी हमने एस लगाना, और वैसे सिंगल आ जाए तो तब भी हमने एस लगाना है। और सेकंड वन ये हमने बताया था कि वावल हो, ठीक है, और ओ हो तो हमने ई एस लगाना है। एंड एक रूल रह गया है, और कुछ वर्ड जो हैं वो सिंगुलर अब जैसे हैं कि ई एस ना लग सकता है ना आई ई एस लग सकता है, तो वो हम चेंज प्लूरल में करने के लिए चाइल्ड चिल्ड्रन, तो ये चाइल्ड्स भी नहीं हो सकते, चाइल्ड विस्ट भी नहीं हो सकता, तो इसका प्लूरल क्या होगा, चिल्ड्रंस, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।